जो स्टेज पे चढ़ती है ना, हाँ वो सब आदमी ठीक है ठाक, उसका पुट्टी कर, आदमी नहीं था वो औरत था। काले काले चेहरा पे काले काले कपड़ा। क्या हुआ, नहीं जाएगा बाराती? बाराती जाइएगा तब। दिन से टास्क नहीं बनल के या अखनी नौटंकी करे या अखरोट है? नेपाल वाला एपिसोड बच रहे चलिए अपलोड है ले दूदू को। तो दोस्तों बात ऐसा है कि आए हैं रिश्तेदार के घर पे, रिश्तेदार अपने घर, अपने घर पे शादी है, तो शादी का जो है फुल ब्लॉग आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग को गाड़ी गिनने का काम दिया गया, देखिए पीछे में गाड़ी है, पूरा ठूस ठूस के बुलाए बैठाने की। लड़का जी कोट पैंट पहनने के बाद आपको कैसा फील हो? पूरा ये हम ऐसे हैं अभी, अभी गंजी पहने हुए हैं और अगला बारी जो है इसी इन्हीं का है इस परिवार में। तो चलिए कुछ एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो आप भी आपके साथ साझा किया जाएगा। ना आपका बॉडी ऐसा है कि लग रहा है बॉक्सिंग करके आए हैं, भैंस जो चरा है ना थोड़ा सा दिखाइए बॉडी आपका बहुत। देखिए दाग लग गया है तो अपने बल का भरपूर प्रयोग। भाभी का फोन करिए ना कल के ऑफिस में। ऐसा क्या मजबूरी है कि आप पैंट पहन के वीडियो कॉल कर रहे हैं? फाइनली अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार बाराती जाने के लिए। इधर देखिए ये छोटा भाई सोनू है, मेरा भांजा ऋषभ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ। युद्ध में हम लोग सैनिक हुए सैनिक। राजीव जी हम तुम्हारे साथ हैं। बाराती के लिए हम लोग निकल रहे हैं, अभी तो शुरुआती है। गोरे गोरे मुखड़ा पे, नहीं नहीं काले काले चेहरा पे काले काले कपड़ा। कमी खटक रहा है अभी भी, अभी साली का कमी है, लड़की एक ही बहन है। अच्छा ये सब बोलना नहीं था ना। दोस्तों और मिथिला की जो बारात होती है वो आपको दिखाएंगे। राम राम चाचा। तो आप ही ब्लेजर और बंडी पहन लिए, क्या खास बात है कि आप पता कर लिए कि साली है? सोचिए यहाँ पर कहीं कुछ जुगाड़ देखो साला मिल गया तो गाल पकड़ के तिरना शुरू कर दिया। हम लोग सारा लोग को देख के जो है हमारे बारीक कंफ्यूज हो गए और एक बीचों में पता रख दिए कि हो सकता है कोई ऊपर से आके खाए। कनी हाथ बजा दो गरीब आदमी के। मिठाई लेके तू ही है? सब चीज दो टेंशन। अंशु भाई जी को बर्दाश्त नहीं किया, भूख और एकदम शुरू कर दिए है। इसका नाम बता दीजिए भैया, ये है क्या? कटहल का कोफ्ता। देखो हनु दिया भैया, बहुत बढ़िया लड़का है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, देखने में हैंडसम। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। सार बहुत माने छे तोरा, एक्सेप्ट करो। हटो दीपक, दीपक इधर आ जाओ। बोले आप ही को बोल रहे थे लेकिन कैमरा उधर चला गया, कैमरा उधर चला गया। दोस्तों आप खाना खा लिया, आपके पास टिशू नहीं है, ट्रिक बताता हूँ। बन गया टिशू। कुटुम शानदार चल रहा है, कुटुम बहुत बढ़िया है। खास कर दोस्तों अभी हम लोग राजीव भाई जी के ससुराल में आए हैं, अभी ससुराल नहीं बना है। क्या नाम हुआ तुम लड़की का? भाई हुआ तो हम कौन हुए तुम्हारे? जीजा जी, जीजा जी है। अभी लड़का जी को थोड़ा सा शर्म आ रहा होगा, आज शादी है, ब्लॉग में क्या बोलेंगे, उसके भी हाथ पे हम ही बोल देते हैं कि लड़की बहुत बढ़िया। कुर्सी उर्सी लगाया गया है, पूरा माहौल सीलिंग बहुत बढ़िया व्यवस्था। कैसा फील हो रहा है? बहुत सारे ऑडियंस शादी करेंगे, हम लोग करेंगे, अभी आपका फीलिंग बता दीजिए। शर्म लग रहा है, फोन पे बिजी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चाँप के रसगुल्ला अकेला हो गया, दूल्हा दुल्हन को लेकर आएगा सुबह में, हम लोग उसी की तैयारी करेंगे सुहागरात। बस 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 लाड़ लेंगे। ये गाड़ी है स्कॉर्पियो ही सिर्फ बुक हुआ है, तो इधर आइए मर्द। देखिए भैया, ये भैया है लेशियन के चक्कर में, बिहार में बंद मिला है इसलिए घर जा रहा है। बंद है भैया, छोड़ी बात है, इसको छोड़ी एक भी नहीं मिला तो जा रहा है घर, इसको छोड़ी एक भी नहीं मिला तो जा रहा है। आइए 100 रुपया में सवारी कीजिए, आइए। गाँव में पानी पीने निंजा टेक्निक बताता हूँ, इधर है इसको धर दीजिए, मास्क लगा ली, बस पानी पी के मास्क। बाबू नहीं ठीक है ठाक था, आदमी सब ठीक है ठाक था, वो जो स्टेज पे चढ़ती है ना, हाँ वो सब आदमी ठीक है ठाक, उसका पुट्टी कर, आदमी नहीं था वो औरत था। भाई
ऐसा लग रहा था कि जो है सो जलती धूप में गेहूं काट के आई थी। आए हाय जी।